ऑलराइट, रियल मी जो है एक लैपटॉप अनाउंस करने जा रहा है और रियल मी की तरफ से जो है कंफर्म हो चुका है कि भाई वो जो लैपटॉप है वो पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च होगा। और उस लैपटॉप की अगर आप डिज़ाइन की बात करें ना, तो यार एक कंपनी है, एप्पल नाम की कोई कंपनी है छोटी सी, उनका एक लाइनअप है मैकबुक एयर के नाम से। तो मतलब समझो रियल मी ने वही डिज़ाइन लिया है और उसको यार वो एक जोक होता है ना, कौन सा होता है कि यार आप स्कूल में जो अपने दोस्त से नकल कर रहे होते तो आप यार कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज कर रहे होते हो ना, कि आपके टीचर को ऐसा ना लगे कि यार आपको और आपके दोस्त का आंसर सेम है, तो शक में ना पड़ जाए ना। मुझे लग रहा है कि रियलमी ने वो चीज़ भी नहीं की है, बस कॉपी पेस्ट लग रहा है। खैर वो तो जो लीक तस्वीर आई उसके हिसाब से इस तरह से लग रहा है, बाकी इंटरनली तो खैर डिफरेंट ही चीज़ होगी। लेकिन डिज़ाइन जो है काफ़ी इंस्पायर्ड है एप्पल के जो मैकबुक्स होते हैं उनसे। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो लैपटॉप है ये बहुत लाइट वेट होने वाला है। एक इसकी तस्वीर लीक हुई है जिसके अंदर इस लैपटॉप को जो है एनवलप के अंदर थोड़ा सा दिखाया गया है। और ये चीज़ भी जो है बहुत आयरनी है, आप देखें स्टीव जॉब ने भी ये चीज़ करी थी कि जब मैकबुक एयर पहला अनाउंस हुआ था ना, तो स्टीव जॉब ने ये करा। स्टीव जॉब जो था वो प्रेजेंटेशन के हवाले से ना बहुत नेक्स्ट लेवल बन जाता, मतलब अपनी प्रोडक्ट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करता था कि लोग मतलब बोलते थे कि वाओ वाला सीन होता था। तो स्टीव जॉब ने जब मैकबुक एयर को फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था ना स्टेज पे, तो उसने यही चीज़ करी थी कि उसने स्टेज के ऊपर जो वो होता है वहाँ पर एक एनवलप रखा था और उन लोगों के सामने उसने वो एनवलप उठाया और उसके अंदर से वो लैपटॉप निकाला, कि मतलब वो ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा था कि भाई हमारा लैपटॉप इतना पतला है कि एक एनवलप के अंदर आ जाता है। और उसी तरह से सिमिलर एक तस्वीर जो है रियलमी के इस लैपटॉप की भी लॉन्च जो है लीक हो चुकी है। बाकी इसकी जो दूसरी तस्वीरें लीक हुई है सिल्वर कलर है इसका, स्पेसिफिकेशन वगैरह के हवाले से अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन ये कि एक मिड रेंज टाइप का जो लैपटॉप होता है जो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए होता है और नॉर्मल बिजनेस पर्सन के लिए होता है, तो उस तरह से यानी कि i5 वगैरह होगा, और i5 का मतलब 8-9 जनरेशन कह सकते हैं और 8-10 GB रैम, इस तरह का जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन होती है। लेकिन स्पेसिफिकेशन के हवाले से यहाँ पर अभी कुछ भी लीक नहीं हुआ, लेकिन ये बात कंफर्म है कि भाई पाकिस्तान के अंदर ये लैपटॉप आएगा। और ये रियलमी के ऑफिशियल जो जिन्होंने बिलाल ने जिनका इंटरव्यू किया था, मार्केटिंग डायरेक्टर थी वो, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई रियलमी जो लैपटॉप हमारा होगा रियलमी बुक के नाम से आई थिंक हो गए तो पाकिस्तान में हम लॉन्च करेंगे। बाकी जैसे ही इसके ऊपर मजीद अपडेट्स आती है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा यहाँ पर कवर करने की। और आप मुझे बताएं कि यार आप रियलमी के जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वेयर और वॉचेज़ वगैरह है, लैपटॉप्स वगैरह है, उनके लिए कितने एक्साइटेड हैं। और उसके अलावा रियलमी जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी असेंबली लाइन को भी लेकर आ रहा है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम जो फ्यूचर के अंदर हम जो है फ़ोन जो है पाकिस्तान के अंदर असेंबल करेंगे, इसका मतलब कि रियलमी के जो है चीप फोन आने वाले हैं, मतलब कि सस्ते प्राइसेस के अंदर रियलमी के फ़ोन आने वाले हैं। और ज़्यादातर हमारी शिकायतें ये होती है कि रियलमी की जो प्राइसेस होती है अक्सर रियलमी जो है प्राइसेस थोड़ी सी ओवर कर देता है, लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर उनके फ़ोन असेंबल हो रहे होंगे तो तब जो है काफ़ी एडवांटेज होगा, काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह, कस्टम ड्यूटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें बच रही होंगी। और पाकिस्तान के अंदर ही फ़ोन जब असेंबल हो रहे होंगे तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक तो यहाँ पर जॉब्स मिलेंगी और ऊपर से इकोनॉमी पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और उसके अलावा प्राइसेस जो है काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये सब चीज़ें कब होती है, कब जो है रियलमी पाकिस्तान के अंदर अपनी असेंबलिंग वाली लाइन जो है वो शुरू करती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।